राज्य में कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर नाहन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जब जैसे ही चुनावी परिणामों में कांग्रेस पार्टी की जीत सामने आई, यहां सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और राहुल गांधी आने वाले पीएम के नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सोलंकी ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बने एक वर्ष पूरा हुआ है और आज ही उनके प्रयासों का फल भी जनता ने तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जिताकर उन्हें दे दिया है। सोलंकी ने कहा कि आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से परेशान हो गई है और आने वाले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज देश की जनता ने देश के लिए उत्सव का माहौल बनाया है। पांच राज्यों के चुनाव ने आगामी 2019 का रास्ता साफ दिखाया है। मैं सलाम करना चाहता हूं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सभी राज्यों के मतदाताओं को, नागरिकों को, जिन्होंने आज देश को भविष्य में देश की क्या दिशा हो, देश की क्या दिशा हो, पिछले साढ़े चार वर्षों में देश को किस ओर, किस दिशा की तरफ धकेला जा रहा था, आज देश की जनता ने उसका जवाब नरेंद्र मोदी को दिया। कार्यकर्ताओं की मेहनत से सफल नेतृत्व को सलाम करते हुए उन्हें आज तोहफा दिया है और ये कार्यकर्ताओं की तरफ से तोहफा है। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी में इस देश की जनता ने देश का भविष्य देखा है और इसमें कोई दोहरा नहीं। 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने वाला कोई नहीं है। नाहन से राकेश नंदन की रिपोर्ट।